मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ब्रेन मास्टर क्लासेस द्वारा मेडिकल के विद्यार्थियों को लगातार मार्गदर्शन दिया जा रहा है। गुरुवार सुबह उड़ान कार्यक्रम के बाद शाम के सत्र में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक सफल विद्यार्थी के पीछे उस विद्यार्थी की मेहनत, उसके माता पिता का संबल और उसको पढ़ाने वाले शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सभी के सामूहिक सहयोग से ही विद्यार्थी की 100% सफलता सिद्ध हो जाती है। ये बात ब्रेन मास्टर क्लासेस द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में फैकल्टीज ने स्टूडेंट्स और अभिभावकों से कही। गुरुवार शाम रविंद्र नाट्यगृह में ब्रेन मास्टर क्लासेस के बैनर तले आयोजित संवाद कार्यक्रम में 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एकेडमिक गाइडेंस दिया गया। कार्यक्रम के तहत स्टूडेंट्स को स्कूली पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में संतुलन कैसे बनाया जाए, इस विषय पर चर्चा हुई। साथ ही संवाद कार्यक्रम के तहत ब्रेन मास्टर फैकल्टी टीम ने स्टूडेंट्स और अभिभावकों की जिज्ञासाओं को भी शांत किया। पेरेंट्स के लिए जो कुछ पॉइंट्स हमारे मन में हैं मैं शेयर करना चाहूंगा। मैं अपने पढ़ाई के दिन जब याद करता हूँ तो मुझे मेरे फादर की बात याद आती है। हमारी मदर को टीवी देखने का बहुत शौक, केमिस्ट्री के भी कहते थे इसको मैं इनवाइट करूंगा कि वो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी और क्या क्या बारीक बातों का आपको उनके सब्जेक्ट में ध्यान रखना चाहिए थोड़ा सा गाइड करें। मैं राजीव प्रतिवर्ष हर साल हम लोग एक प्रोग्राम आयोजित करते हैं जिसमें कि क्योंकि हमारे बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 11th 12th और टॉपर्स बैच के सभी को हम एक गेट टुगेदर होता है जिसमें कि पेरेंट्स और बच्चों के साथ जो हमारे टॉपर्स साल भर की जो टेस्ट सीरीज और इंस्ट्रूमेंट जो टॉपर्स चलते हैं उनका हम एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें कि टॉपर विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है और साथ में सारे टीचर से भी हम पेरेंट्स को रूबरू कराते हैं ताकि उनके जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिविजुअली नहीं डील हो पाती वो यहाँ पर सभी पेरेंट्स और टीचर्स आमने सामने होते हैं और सभी अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सेमिनार के तहत ब्रेन मास्टर्स फैकल्टी टीम ने आगामी 4 मई को होने वाली ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट और 1 जून को होने वाली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं दी।